कोविड के बाद में हेडेक बहुत कॉमन है। कईयों में तो हेडेक इज द ओनली सिम्टम। ब्लड प्रेशर से भी हो सकता है, ऊपर नीचे हो गया, आपका पोस्चर नहीं था, लेटे रहे 9 दिन तो नेक स्टिफनेस से आपका टेंशन हेडेक भी हो सकता है और इन्फ्लेमेटरी हेडेक भी हो सकता है। अगर आपको हेडेक हो रहा है, पूरा सर को बांधना पड़ रहा है, वो टेंशन हेडेक है। लेकिन अगर आपको हेडेक एक साइड में या पीछे की तरफ हो रहा है, वो पोस्ट कोविड हेडेक हो सकता है। और एक पिक्यूलियर चीज है कोविड हेडेक की, यह सिर्फ मेफेनेमिक एसिड को रिस्पॉन्ड करता है। वैक्सीन के बाद मुझे दोनों घुटनों के नीचे दर्द हो रहा है। पहले भी हमारे वीडियोस में बताया था कि कोविड के बाद में घुटनों के नीचे दर्द हो सकता है और वैसा ही हमें कोविड वैक्सीन के बाद भी दिखाई दे रहा है। इसका मतलब है प्रोटीन तो सेम है, वायरस का हो कि वैक्सीन का हो, ये जो स्पाइक प्रोटीन है ये मेरे घुटनों के नीचे मसल में पेन कर सकता है। फर्क सिर्फ इतना है, नेचुरल वायरस से ये 3 महीने तक रह सकता है और यहाँ पे कुछ दिन के बाद में ये खत्म हो जाएगा। हेलो एवरीबॉडी, कोलेस्ट्रॉल इज लाइक ए सीमेंट, पड़ा रहेगा, कुछ नहीं होगा, लेकिन जैसे ही इसमें पानी गिरेगा ये सॉलिड हो जाएगा। वैसे ही कोलेस्ट्रॉल मेरे शरीर में जितना मर्जी ज्यादा हो, लेकिन लो ग्रेड सिस्टमिक इन्फ्लेमेशन होगा तो कोलेस्ट्रॉल LDL ऑक्सीडाइज होके चिपक जाएगा। किसी भी वैक्सीन के साथ में एक रिकमेंडेशन है कि एक हफ्ता पहले और एक हफ्ता बाद में अल्कोहल नहीं पीनी चाहिए। इसका कोरोना वैक्सीन से कोई ताल्लुकात नहीं है, सब वैक्सीन के लिए यही है। क्या ऐसा पॉसिबल है कि कोविड की तरह वैक्सीन के बाद में भी हल्का सा बुखार लंबा चले? लॉजिकली यस। आई हैव सीन मैनी पेशेंट्स जिनको 100.4 से कम का बुखार वैक्सीन के बाद में लंबा चल रहा है या चला है। मुझे बहुत डर लग रहा है। प्रेगनेंसी में गलती से आइवरमेक्टिन खा ली, पढ़ा था, डॉक्टर अग्रवाल ने लिखा था कि नहीं लेना। अरे भाई कोई बात नहीं, गलती हो गई तो हो गई, खा ली तो खा ली। कहीं ये तो नहीं लिखा था कि आइवरमेक्टिन खाने से बच्चा खराब हो जाएगा, डाटा नहीं है। सो आइवरमेक्टिन गलती से अगर खा ली, इज नॉट एन इंडिकेशन कि आप एबॉर्शन के लिए जाओ। नमस्कार। मेरे को ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। क्या क्या होते हैं ऑटो इम्यून डिसऑर्डर? सिरोसिस भी हो सकती है, रूमेटॉइड आर्थराइटिस गठिया भी हो सकती है, सिस्टमिक ल्यूपस एरिथेमेटोसिस भी हो सकता है, मिक्स कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर्स भी हो सकते हैं, जुविनाइल गठिया भी हो सकती है, स्क्लेरोडर्मा भी हो सकती है जहां पे स्किन मेरी चिपक जाती है, जॉगरन सिंड्रोम भी हो सकती है जहां पे मेरे आंखें ड्राई रहती हैं। बहुत सारी ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स हैं। क्रोन्स डिसीज भी हो सकती है आपको, अल्सरेटिव कोलाइटिस भी हो सकती है। सो व्हाट, वैक्सीन तो आपको लेना ही है। अगर आप इम्यूनो सप्रेशन में हो तो एंटीबॉडीज थोड़ी कम बनेंगी, और अगर आप इम्यूनो मॉड्यूलेटर पे हो तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ऑन द कंट्रारी, इम्यूनो मॉड्यूलेटर में हेल्प यू इन डेवलपिंग द एंटीबॉडीज। तो आज की डेट में वैसे भी ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स अगर आप पे हैं तो आपको तो प्रायोरिटी पे वैक्सीन मिल रहा है। आप तो बोल रहे हो कि वैक्सीन लगवाऊं कि नहीं लगवाऊं, सरकार तो आपको वैक्सीन प्रायोरिटी में दे रही है। घबराए ना, अपने डॉक्टर से बात करें और वैक्सीन लें।